हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट एपिसोड आप लोगों ने देखा था, मैं न्यू कैसल से एडिनबर्ग और एडिनबर्ग से एबरडीन का मेरा सफ़र था। और एक्चुअली मेरा सर्विसिंग का टाइम है और मैंने सब जगह पता किया, यूके में कहीं सर्विसिंग अपॉइंटमेंट नहीं मिला। एडिनबर्ग में तबस्सुम ने बहुत ट्राई किया कि कोई मुझे अपॉइंटमेंट दे दे। और अभी मैं आई हूँ राजूदा के घर में, भाभी के घर में, यहाँ देखती हूँ मुझे कैसा लगता है और मुझे सर्विसिंग करने के लिए चांस मिलता है कि नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम एबरडीन। कल मैं आ गई थी यहाँ पे शाम को। स्कॉटलैंड का एकदम ऑलमोस्ट राइट साइड ऊपर में है ये, और बहुत सुंदर है क्योंकि सी के साथ लगा हुआ है ये सिटी। और इस सिटी में सिर्फ 4 जन एसएमईज है, एक में हम मेरे भैया भाभी है और साथ में जो 2 जन आए थे, दैट्स ऑल। और वो ये एसएमईज डिनर कल किया, आज एकदम प्रॉपर एसएमई स्टाइल ब्रेकफास्ट है। यहाँ पे दादा भी लगा हुआ है क्योंकि मेरा मैकेनिक नहीं मिल रहा है बाइक का रिपेयरिंग करने, मतलब सर्विसिंग का काम है, तो दादा सुबह से लगा हुआ है कि मेरा एक मैकेनिक मिल जाए कि जो मेरा ऑयल चेंज करे। और भाभी लगी हुई है कि मैं ठीक से खाऊं, सुबह से शाम तक खाली खाऊं। तो स्पेशल एसएमईज ब्रेकफास्ट बनाया मैंने, दिखाती हूँ अभी। कुकिंग फ्रॉम द मॉर्निंग, सुबह सुबह अदरक वाला चाय दिया जो मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं खास रही हूँ, तो उनको लगा कि कड़क अदरक वाली चाय। और ये जो बाउल भर के देखा, ये एक्चुअली चिली है, चिली का अचार, हरी मिर्ची का अचार है क्योंकि साथ में बनाया है पूड़ी। लूसी बोलते हैं हम लोग, लूसी फूल को भी आलू भाजी। हम लोग का ये एकदम सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट बहुत मज़ेदार होता है। और ये क्या है? एग। ओह, एग भुजी। एग भुजी भी बनाया है। ये बोगोरी का अचार है, हम लोग जो बेर बोलते हैं, हम लोग बोगोरी का अचार बोलते हैं। सो फेवरेट। कोई भी एसएमईज देख रहा है तो सबको तो मुंह में पानी आ गया होगा। और ये है भाभी, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। सुपर बिजी कुकिंग। ये इट भाल। सो दिस इज द वे गोइंग ऑन। जब मैं खाती हूँ, जम के खाती हूँ, एकदम लास्ट गलत के एंड तक खाती हूँ पेट भर के, और एंजॉय करती हूँ इसी तरह से। अभी बस मेरा मैकेनिक मिल जाए, बाइक ठीक हो जाए बस, और उसके बाद अभी दिखाती हूँ ये सिटी। मैं घूमने जाऊँगी, दादा बोल रहे हैं मैं लेके जाऊँगा क्योंकि स्कॉटलैंड आए हैं और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसा जगह है जो मुझे पता नहीं। वो अगर वो नहीं गए तो यू मिस समथिंग रियली बैडली। या एंड रियली ब्यूटीफुल वेदर क्योंकि इन लोगों को सन नहीं मिलता है, दे आर क्रेजी अबाउट सन। सन देखने से ये लोग पागल हो जाते हैं। या ओ वाओ, सी ब्यूटी। और जो दरवाज़ा खोलते ही जो चिल्ड विंड आया है ना, इट्स ऑसम। ये इनका गार्डन है और गार्डन में ये कलर देखो आप, कलर सो ब्यूटीफुल। और रात को जो दिखाया था वो सोलर लाइट्स जला हुआ था यहाँ पे, चिल्ड एयर है, आई मीन सो नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। फिर घूमने जाएंगे तो दिखाएंगे आपको और स्कॉटलैंड का ब्यूटी। और दिन भर मैंने रेस्ट लिया और इवनिंग में निकल के आए राजूदा और भाभी के साथ ये ब्यूटीफुल पार्क में। ये बड़े बड़े पता नहीं क्या फ्लावर है, बहुत बड़ा साइज का फ्लावर है और भरती है एकदम। लुक एट दिस प्लेस, ये सब रोज़ है, सारा रोज़ है। सो ये रोज़ गार्डन है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक सैड इंसिडेंट हुआ था जिनके मेमोरी में ये बनाया गया है। और अभी जाके देखती हूँ क्या है। लेकिन बोलते जब यहाँ पे रोजेज लगता है तो एकदम माइंड ब्लोइंग है गार्डन देखो। ओके, सो ये डेडिकेटेड है टू द मेमोरी ऑफ द 167 मैन हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द पाइपर अल्फा ऑयल प्लेटफॉर्म डिजास्टर। ये एक्चुअली आग लग गया था और उसमें काफ़ी लोग जल गए थे, तो उनके मेमोरी में ये, ओ माय गॉड, ये स्टैचूज बनाया गया। डबल है, जो अभी मैं घूम के आई वैसा ही एक पार्ट इधर भी है। तो जब एक साथ ये कलिया भी आई नहीं है, जब कलिया आ जाएगी उसके बाद फूल खिलेगा, तब इमेजिन ये कैसा लगेगा एक टाइम में इतने सारे रोजेस। ओह, तो डिजास्टर जो था वैसा वही था, मतलब फायर। उसके बाद हम लोग चले
एबरडीन कैसल, उन्होंने बोला आपका दिन अच्छा है, आज सनी है और वो जो कैसल है वो मैजिकल होने वाला है, तो मैं भी देखना चाहती हूँ कैसा होता है। दिस प्लेस इज क्रेजी आई मस्ट से, मैं तो पागल हो गई, मैं कहाँ आ गई हूँ आप इमेजिन करो, दिस इज रियलिटी, ये कलर नेचुरल है, मैंने कुछ नहीं किया, माई गॉड। लास्ट नाइट है एबरडीन में, यहाँ से मैं जा रही हूँ, लेकिन दो फ्रेंड्स आए हैं मिलने, बोथ आर राइडर्स, उनको जब पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ वो भी मुझसे मिलने आए हैं, अभी दिखाते हो कौन है। आरती शर्मा एंड आई एम फ्रॉम इंडिया एंड आई हैव लिव्ड इन चाइना शंघाई फॉर रियली यस वंडरफुल सिंस 2015 ओके एंड आई लेफ्ट इन 2022 ओके एंड नाउ आई एम इन यूके एंड आई एम विद मीनाक्षी जी ओके या एंड आई आल्सो हैव अ यूट्यूब चैनल दैट्स कॉल्ड आरती शर्मा आरती शर्मा इज वेरी सिंपल सो एवरी वन विल रिमेम्बर आरती शर्मा विद माई नेम या एंड विल मे बी कम टू नो अबाउट चाइना अबाउट यू सो माई प्रीवियस ब्लॉग्स मोस्टली वर अबाउट लाइफ इन चाइना एंड नाउ रिसेंटली बिकॉज आई मीन यूके सो माई रिसेंट ब्लॉग्स आर मोर अबाउट लाइफ इन यूके वंडरफुल एंड एज इंटरनेशनल स्टूडेंट ओह रियली एंड व्हाट बाइक यू गॉट I'm Matthijs van der Molen. I'm from Netherlands. I've lived in different countries, in Middle East and US, and now also live in Aberdeen for my work. And I've got two bikes actually here in Aberdeen. I have a BMW 1200 RT. It's a great bike to ride around with. And in Netherlands, I have another bike, Kawasaki GTR 1400. So, wow. Heavy bike. Yeah. And and we got to know about Meenakshi. indeed. So yeah, biking is a small community, and we always like to meet up and help each other. So really. I would like to share today. We got to know that there is a rider coming from India, and she is going to break a record, world record, and it's a woman. Uh-huh. And I was so honored to to know about the. This kind of people or this woman, this very inspiring. Not yes, just woman, it's just a legend, My and God. I was like, wow, just few days back I got my first gear and I got to know a legend, about I was going to break the record. So it's really my honor to meet Meenakshi ji and really, really my honor. Thank you so much. Reverse gear. Gonna have to push it back up. I'll pull it. लास्ट नाइट है जैसे मैंने बताया, तो एज यूजुअल बहुत सारा खाना बनाया भाभी ने, भैया को क्या बोलूँ, थैंक्स वर्ड कम है, भैया बन गए मेरे रियल भैया। ओके सो स्पेशल खाना ये है गाहोरी, माय फेवरेट, और ये सैल्मन फिश है ना, और ये क्या, दोनों मैं नहीं खाती हूँ, सो ये नहीं खाती है फिर भी, लेकिन बनाया मेरे लिए कि चलो असम से आया है तो गाहोरी खाना है, सो हम गाहोरी खाएगा, दाल भी लिया, आपके लिए स्पेशल है, वंडरफुल, मैं इसे नहीं बनाती हूँ, थैंक यू। सो सर्विसिंग के लिए निकली हूँ, एक्चुअली एक कॉल आया है, एक लेडी है जो मोटरसाइकिल रिपेयर स्टोर की ओनर है, वो खुद राइडर भी है, तो उन्होंने बोला है कि शी विल हेल्प मी, तो अभी एक्चुअली क्या है आपको बताया, एक एक महीना लग जाता है यहाँ पे एक सर्विसिंग का अपॉइंटमेंट के लिए, आप सोच सकते हैं, तो मैं कब से ट्राई कर रही थी मुझे एक अपॉइंटमेंट मिले, मेरे बाइक का सर्विसिंग बहुत ज़रूरी है, बट कोई नहीं आया, ओपन नहीं किया, लेकिन इस लेडी ने बोला नो, एक लेडी राइडर है इतना दूर से आई है तो वी शुड हेल्प हर, तो देखती हूँ अभी कौन है और निकल रही हूँ, अभी ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है।
सो मैं ये बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को सर्विसिंग कराना है यूके में नहीं, इवन यूरोप में भी बहुत लंबा वेटिंग रहता है सर्विसिंग, इतना मिलना मुश्किल है यहाँ पे। मतलब एक छोटा मैकेनिक मिलना इट्स रियली डिफ़िकल्ट, मेनली अभी यूके में मैंने, जैसे मेरा इतना जान पहचान नहीं है मैकेनिक्स, पाकिस्तानी मैकेनिक मुझे मिला था एथेंस में, जैसे वो लग था। तो यहाँ पे ये है कि आपको दो दो हफ्ता लग जाता है एक बाइक का सर्विसिंग देने के लिए, और मैं सडनली बोल रही हूँ कि मुझे कल चाहिए यू नो, तो इसलिए मुझे नहीं मिला। लेकिन फाइनली जब मेरा प्रोफाइल देखा एक लेडी ने, उन्होंने बोला कि शी कैन हेल्प यू, हेल्प मी, और वो खुद एक मैकेनिकल इसका ओनर है एंड शी इज़ अ राइडर। जब पता चला चलो एक फीमेल ओन्ड मैकेनिक गैरेज है, आई शुड गो देयर, और रियली अच्छा लगता है ना कि मतलब शी इज़ हेल्पिंग मी बिकॉज आई डोंट हैव टाइम। अभी फटाफट मुझे बाइक सर्विस करके मुझे जाना है, 3 आवर्स का राइड है, तो ऑलरेडी वेटिंग में है बाइक फिर भी, लेकिन वो मेरा बाइक करके दे रही है बिकॉज शी अंडरस्टैंड हाउ फार आई एम गोइंग विद दिस बाइक। दिस इज जॉब्स मोटरसाइकिल्स, और मैं यहीं पे आई हूँ। फाइनली वो लेडी मुझे मिली, ये तो वो चेक कर रहे हैं प्रॉपरली, इनका बहुत टेक्निकल वे है टू चेक द मोटरसाइकिल कैसे करना है, डिजिटल सब कुछ यहाँ पे स्क्रीन में दे चेक, आई डोंट नो व्हाट दे आर चेकिंग बट दे आर डूइंग इट मोर टेक्निकली। और आरती से मिलाई थी, तो आरती भी आ गई है मुझे मिलने यहाँ पे, सो इसको देख के भी अच्छा लग गया, चलो नाइस। ओके सो दिस इज़ द प्लेस, ऑसम बाइक्स है एज यूजुअल, यू कैन सी यामाहा 400 है, और ये सब देखिए, ये मेनली है, उफ ये सब देख के ऐसा लगता है काश मैं चला सकती, लेकिन ये बहुत ही लंबा ऊंचे लोगों के लिए है, नॉट फॉर माय टाइप ऑफ पीपल। दीज आर ऑसम बाइक्स, R एंड दैट्स योर रेफ, ये उसका है के जॉब्स मोटरसाइकिल। सो होंडा बाइक्स आर रियली डूइंग वेल एंड ही इज चेकिंग माई बाइक हियर। तो मैंने जिनके बारे में बोला था द लेडी, शी इज हियर फाइनली, आई कैन सी हर, हाय, गुड टू सी यू, नाइस टू मीट यू, सेम हियर, शो मी योर बाइक, इज देयर योर बाइक स्टैंडिंग, दैट वन, दिस इज आवर लिटिल ट्रैक बाइक, वाओ, अ लिटिल CRF 150. Wonderful, it's like 150? Yeah, 150. And then I have for the road MT07. Yeah. Yeah, the Yamaha. So that's my road bike as well. So, but this one's more fun. Really? yeah. It looks little, but it's really fun and fast. Yeah. Yeah, good fun. So where you go basically with this? So we can take this one to like a go-kart track. So the closest one in Scotland to us is Crail. Okay. So they have like a Supermoto league there. Where there's racing for all different sizes. So even from like the little kids right up to the bigger like 450s. Yeah. So it's really, really good. Wonderful, fun. Yeah. Yeah, yeah. Fun. So yeah. And then just on the road we're a bit more careful here because we only really get the good weather for a few months in the summer. Yeah. So that means we can use the bikes a bit more. Yeah. Yeah. And thank you so much for opening your doors to me. Okay. You know, I was I was looking for. It's really exciting to hear your story and see what you're doing. Yeah, thank I'm a little you. Bit jealous to be honest. So yeah, I think you can catch me anywhere if you plan anywhere. I'm all the way, everywhere. But yeah, I'll have to share your Instagram page and stuff online as well because it's really. It's unusual to see. Really? So, yeah, super exciting. Really good. And thank it's nice you. As well because I think it's, you know, with the bike community, everybody likes to help each other out anyway. That's so become a community, yes? Yeah, it's a good thing for doing it on a bike is probably better because you're going to get people that are more likely to actually want to help you, you know what I mean? Yeah. Rather than not. Yeah. I'm getting lots of help from the riding community. Yeah. I must say this. Yeah, it's good. It's good to be part of. Yeah. I always laugh because we have customers that come in here that I've never met before and they'll stand and speak at the door for like an hour just because they have that in common. So it's really nice to see. Yeah. So I'm excited. Wonderful. I'm excited to watch you and follow you. Yeah. Thank you. Cool. Thank you so much. Yeah. Best of luck. I'm going to get you a t-shirt as well. Yeah, you so that's, you can show your thing. So she's wearing Job's motorcycles. अभी निकलती हूँ राजदा के घर से और ये इन्होंने इतना खिला दिया, मुझे नींद आएगा रास्ते में।
थैंक यू सो मच फॉर योर लव ভাল লাগিলে বিয়া ফর লাভ ইউ জামা অল দা বেস্ট হ্যাঁ এক এক ফ্যামিলি ছোড় কে যা রি ভাসা লাগতা হে এন্ড লুক এট আই শি ইজ অলসো হিয়ার হিতা देयर से मेरे लिए সো বিকজ উই লাভ ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ও দাদা তো 3 দিন সে কামই নাই কর রে মেরে লিয়ে কাম ছোড় দিয়া ইটস ওয়ান্ডারফুল বড়িয়া অল দা বেস্ট ইয়া ইয়া सो आज मेरा राइड है एबरडीन से लेके ग्लासगो थ्रू एडिनबर्ग होके जाऊंगी क्योंकि मुझे तबस्सुम ने बोला है यहाँ लंच करके जाना क्योंकि कहीं और रुकना नहीं है ऑन द वे में ही पड़ता है तो फिर से मैं एडिनबर्ग जस्ट लंच करूंगी उसके बाद चली जाऊंगी ग्लासगो एक्चुअली पहले कैपिटल था अभी तो कैपिटल एडिनबर्ग है पहले ग्लासगो था और अभी शुरू से आई थिंक पूरा मुझे रेन मिलने वाला है ये यूके का मौसम है वेट ही रहता है हमेशा सो इसीलिए बहुत सुंदर ब्यूटीफुल शायद नहीं दिख रहा होगा कलर लेकिन इट्स ऑसम मैं बोल रही हूँ ना माइंड ब्लोइंग हर एक रोड का साइड का सीनिक ब्यूटी माइंड ब्लोइंग है तो इसीलिए मैं चाहती हूँ आप लोग अगर कभी आएंगे लंदन की तरफ तब आप अपना कार लेके या ट्रेन लेके ज़रूर एबरडीन आए फिर न्यू कैसल की तरफ आए ये सब घूम के ज़रूर वापस जाए बहुत सुंदर है सो मेरा सफ़र है टू द ग्लासगो वहाँ पे होटल स्टे है आज क्योंकि वहाँ पे एसएमईज़ नहीं मिले तो उन्होंने लेकिन वहाँ पे जो बुकिंग किया है वो भी एसएमईज़ ही लोग हैं उन्होंने मेरे लिए आज स्पॉन्सर करके दिया होटल का स्टे सो दिस इज़ द व्यू दैट इज़ लाइक मेरे मेमोरी पे रहने वाला है फॉर एवर और अच्छा है कि ये यूट्यूब है और YouTube में मैंने अपलोड कर दिया तो मैं कभी भी देख सकूंगी मेरे ये सारे वीडियोस अगेन एंड अगेन आई एम सो लविंग इट बहुत नींद आ रहा है आज एकदम चलाया नहीं जा रहा बाइक पता नहीं क्या हुआ कभी कभी ऐसा लगता है कहाँ बाइक जा रहा है कुछ पता ही नहीं है अच्छा मैं चला रही हूँ बाइक चला रही हूँ ऐसा फील होता है हाईवे में है और पता नहीं दो बार रुकी हूँ मैं एक्चुअली मैं खाना नहीं खाती आज चावल खा के निकली थी ना इसीलिए बहुत नींद आया है किलोमीटर्स ज़्यादा नहीं है तो मैं आराम से निकली ईजी मूड में थी खाना भी खा के आई थी तो इतना नींद आया है मेरे पास वो चॉकलेट टॉफी था वो खाया मुझे लगा शायद नींद टूटे पता नहीं नहीं जा रहा बाइक ओ गॉड क्या हुआ मेरा आज अभी 1.5 घंटा बाकी है अरे देखते हैं चले सो ये फिर से एडिनबर्ग पहुंच गई मैं दूसरी तरफ से एंटर कर रही हूँ एडिनबर्ग और आप देखो सारे बिल्डिंग्स ऐसा लगता है ना रियल ही नहीं है जैसे बिल्डिंग्स मुझे तो बार बार आने को मन करता है सीरियसली ब्यूटीफुल कितना सुंदर जगह है देखिए ना और ये सारे पुराने आई थिंक पुराने बिल्डिंग्स में अभी कैफेज और सारे शोरूम्स बना दिए बहुत सुंदर है बहुत सुंदर उनके घर फिर से आ गई मैं और ये गर्मा गर्म चाय मैंने बोला था ना मैं चाय पीऊंगी लेकिन ये समोसा देखा तो मुझे एक्सपेक्टेशन था नहीं कि समोसा भी मिलेगा बहुत ज़्यादा नींद आ गया था मुझे सीरियसली अभी ये चाय मुझे जगाएगा और यहाँ से ग्लासगो है आई थिंक 1 घंटे का जर्नी है वहाँ जाऊँगी वहाँ पे होटल बुक है वहाँ पे आज स्टे करूँगी वहाँ भी शायद 2 एसमीज है अभी पता चला वो मुझे मिलने आएंगे तो कौन आता है दिखाती हूँ लेकिन इनसे मिलाती हूँ हाय हेलो मैं फिर से आ गई थैंक यू जबरदस्त पैकिंग हो रहा है इसके अंदर पता नहीं क्या डाला मेरे लिए डिनर मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए लुक एट देम मिनी मेल मिनी मेल चार माने आमी जी कंट्री दसू यहां पे
खाना नहीं मिलेगा बाहर। ये क्या मतलब है खाना नहीं मिलेगा? 8-9 बजे के बाद सब बंद, रेस्टोरेंट वगैरह नहीं मिलेगा, इसीलिए दे आर पैकिंग फूड फॉर मी। ओके, तो अभी लंच करके मैं निकल चली ग्लासगो के लिए, और यहाँ स्पीड लिमिट बहुत मेंटेन करना पड़ता है। वो रहा, वहाँ लिखा है ग्लासगो, ओके 30 माइल्स, सब यहाँ माइल में लिखा है, फिर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करो फिर चलते रहो। तो यहाँ पे स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, कैमराज लगे रहते हैं, आपको कुछ गड़बड़ करना है नहीं, आपको चलते चलना है और कुछ प्रॉब्लम नहीं। सब लोगों ने बोला था यूके में चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आई थिंक अगर आप अच्छे बच्चे बन के राइडिंग करते हैं तो सब जगह ठीक है, बस आपको रूल मान के चलना है, दैट्स ऑल। माय गॉड, घना जंगल में प्रॉपर सुंदर रिजॉर्ट बुक करके दिया। एक यहाँ पे ऐसे में एक लेडी है मून, सो दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय मून। यही प्यार है जिनको मैं नहीं जानती हूँ, पूरा नाम भी नहीं पता, खाली मून पता है, और उन्होंने स्पॉन्सर करके दिया कि मीनाक्षी आई है तो मीनाक्षी आराम से रहे। और मुझे जल्दी जल्दी यहाँ जस्ट सुबह उठ के जाना है, क्योंकि मैं लेने वाली हूँ फेरी, फेरी राइड होने वाला है, और कहाँ जाऊँगी वो नेक्स्ट एपिसोड में ही बताऊँगी, सारा सरप्राइजेस अभी बोल देने से कैसे होगा। तो आई एम लविंग दिस प्लेस, मुझे ऐसे ग्रीन पसंद है, ऐसा लग रहा है मैं जंगल में जा रही हूँ, शांत है, और इतना बड़ा रिजॉर्ट में रुकने वाली हूँ। मेरा किस्मत देखा है यूके में कैसे चमक रहा है, दिस इज जस्ट बिकॉज योर ब्लेसिंग्स, नहीं तो मेरे प्लान में था नहीं मैं ऐसे लेविशली कहीं रुकूंगी। ये देखो जगह देखो, वाओ, यहाँ पे मैं रुकने वाली हूँ, दिस इज द रिजॉर्ट। सो थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत सपोर्ट मिला है, और आई होप आगे भी मिलता रहेगा।